उत्तर चाहिए ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाट फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। उत्तर प्रदेश चुनाव का हर चरण रोमांच से भरपूर रहा और उसके बाद सारे चरणों का मिलाकर जितना रोमांच नहीं रहा होगा उससे कई सहस्त्र गुना ज्यादा रोमांच पैदा कर दिया एग्जिट पोल्स ने। दर्जन भर के आसपास मेरे ख्याल से एग्जिट पोल आए होंगे छोटी बड़े एजेंसियों के, कंपनियों के मिला के। और उनमें से अधिकांश या मैं कहूं बहुसंख्यक एग्जिट पोल्स का लब्बो लुबाब या सार या सारांश ये कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उस चली 1985 से चली आ रही उस रवायत को तोड़ने जा रही है कि सरकार दोबारा नहीं रिपीट होती उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की वापसी कर रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल का मूल स्वर है। अब संख्या को लेकर विवाद है, भाजपा को 211 से लेके और 330 तक मिल रही हैं सीटें। अब ये मामला थोड़ा लंबा ज्यादा हो गया, 210 से 330 तक यानी 120 सीट का वो है ट्रेवल ग्राउंड जहां भाजपा का नंबर भ्रमण कर रहा है। स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हमने इस बार पत्ते सारे ठीक से बिछाए थे, सारे गठबंधन दुरुस्त किए थे, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं। वो करे हम मान नहीं सकते ना। और उनका मत ये कि एग्जिट पोल नहीं, हम एक्चुअल रिजल्ट को मानेंगे और उसमें उनको लगता है कि वो सरकार बनाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में रस्साकसी है, लेकिन शेष जो दो दल हैं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, उनकी स्थिति परिस्थिति को लेकर सारे एग्जिट पोल में एक ही राय है। ना तो बहन जी किसी का कुछ अच्छे दिन आने वाले दिख रहे उसमें कतई किसी सूरत में, और ना लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली कांग्रेस कहीं लड़ती दिख रही है। स्वाभाविक है, इतना बड़ा चुनाव, इतना बड़ा सूबा, और उसमें कोई चीज सामान्य रूप से कोई राजनीतिक दल कैसे पचा लेगा, और जिसको लग रहा हो कि हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर वापस सरकार में आ रही है, अपनी सरकार की कोई एक एक्सटेंशन जनता से हासिल करने में कामयाब रहती है, तो ये न केवल 1985 के बाद एक इतिहास होगा बल्कि एक और कीर्तिमान ये बन जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत से लेके और आज तक की इस मुख्यमंत्रियों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दो पूर्णकालिक उसके लिए चुना जाए कार्यकाल के लिए। अभी भी उत्तर प्रदेश में 5 साल पूरे करने वाले 3 ही मुख्यमंत्री रहे हैं, बाकी कोई मुख्यमंत्री 5 साल भी पूरे नहीं कर पाया। एक मायावती, एक अखिलेश यादव, एक योगी आदित्यनाथ, 3 ही हैं जिनकी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पराक्रमी हुए। गोविंद बल्लभ पंत हुए, कमलापत त्रिपाठी हुए, सीबी को चंद्रभानु गुप्ता हुए, श्रीपति मिश्रा हुए, वीर बहादुर सिंह हुए, विश्वनाथ प्रताप हुए, चरण सिंह हुए, बहुत बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री हुए, नारायण दत्त तिवारी,
कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, लेकिन कोई 5 साल पूरे नहीं कर पाया। मुलायम सिंह जी भी नहीं कर पाए। तो ये रिकॉर्ड इन तीन ही लोगों के नाम है, अखिलेश यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ। अब पड़ताल इस बात की हो रही है कि आखिर कारण क्या रहे कि भाजपा जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अगर वो चीज सच होती है तो भाजपा की इस विजय, ऐतिहासिक विजय के कारण क्या रहे। और समाजवादी पार्टी अगर सत्ता से कुछ दूर पर आकर ठिटक गई तो उसके कारण क्या रहे। अब माथापच्ची इसी पर होगी 10 तारीख तक, और 10 के बाद फिर स्वाभाविक है एक पोस्टमार्टम होता ही होता है, और 6 महीने तक वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती रहती है, पार्टियों के भीतर भी और मीडिया के मंचों पर भी। हां, यहां एक बात और महत्वपूर्ण है एग्जिट पोल्स को लेकर। एग्जिट पोल का भारत में जो इतिहास रहा है, जो चाल चलन रहा है, उसमें दोनों ही चीजें हैं भरपूर। एग्जिट पोल कहीं कभी सही भी हुए और कभी गलत भी हुए। सही हुए तो भी अच्छे से हुए, और गलत हुए तो बिल्कुल ही डूब गए। और अगर हम सही और गलत में ज्यादा बार क्या हुए ऐसा कुछ देखने की कोशिश करें तो मैं अपनी स्मृति के आधार पर कहूंगा एग्जिट पोल गलत ज्यादा समय हुए, सही कम समय हुए। इस वैधानिक चेतावनी के साथ मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्टाज बनाया है, एक पैकेज बनाया है, जरा उसको देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएं। लंबी चर्चा है 2 घंटे की जी। 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो हमारी बहुत शानदार तरीके से और प्रचंड बहुमत के साथ वापसी होगी। कहां से डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक राय है, इस राय से मैं सहमत हूं। 10 मार्च को देखिएगा, 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में। मार्च के नतीजों से पहले जनता की नजरें जमी थी सभी चैनल्स के एग्जिट पोल पर, और जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए तो सियासी गलियारों में कहीं खुशी तो कहीं गम का आलम दिखाई दिया। अब सिलसिलेवार तरीके से महा एग्जिट पोल को देखें तो TV9 पोल स्ट्रैट एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी और उसके गठबंधन को 211 से 225, सपा गठबंधन को 146 से 160, बसपा को 14 से 25 और कांग्रेस पार्टी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। आज तक एक्सिस पा इंडिया के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 288 से 326, सपा गठबंधन को 71 से 101, बीएसपी को 3 से 9 और कांग्रेस पार्टी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। और इस अनुमान और आंकड़ों के मुताबिक खुशी मनाने का मौका बीजेपी को मिला है। ये एग्जिट पोल है, आपने सबने दिखाया है, सभी चैनल्स दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल जो 10 तारीख को आएगा, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि हमने गांव गरीब, नौजवान, महिलाओं के सम्मान में और किसानों के लिए जो काम अभूतपूर्व हुए हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उन कामों पर मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 300 प्लस सीटें लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। एग्जिट पोल्स में तमाम झंझावातों और एंटी इनकम्बेंसी को धता बताते हुए जनता ने योगी सरकार पर भरोसा जताया है। न्यूज 24 के अनुसार भी यूपी में बीजेपी को 294, सपा को 105, बसपा को 2 और कांग्रेस के हाथ एकदम खाली हैं। वहीं रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल की भविष्यवाणी है कि यूपी में बीजेपी 262 से 277, सपा गठबंधन को 119 से 134, बीएसपी को 7 से 15 और कांग्रेस को 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी जयंत चौधरी की राय है कि वो इससे सहमत नहीं है। हम प्रयास हम लोग कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच हम ले जा सकते थे वो हमने किया है, जनता ने भी अपना मत दिया है, वे चीजें बक्से में कैद हैं, इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं, सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है, मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं, अब कहाँ से ये डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक राय है,
इस राय से मैं सहमत नहीं। सीटों के साथ साथ सबकी नजर पार्टियों के वोटों पर भी होती है। अब इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक पार्टियों के वोट परसेंटेज को देखें तो माना जा रहा है कि यूपी में इस बार बीजेपी 43%, सपा 35%, बीएसपी 13% और कांग्रेस का वोट शेयर 4% रह सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मायावती के वोटर गए किधर। सपा का बटन छूना लोगों ने बंद कर दिया, साइकिल हाथी का और साइकिल का, और कांग्रेस तो ऐसे भी खत्म है। एक मुश्त का कमल का बटन दबता, कहीं आप जाइए सब सर्वे में तो यही मिलता है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में यूपी में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। वही समाजवादी पार्टी के दूसरे सहयोगी ओम प्रकाश राजभर वही पुराना गाना गुनगुना रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 10 मार्च को देखिएगा 10 बजे, आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। ये कटु सत्य है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए वोट दिया है और जो अखिलेश यादव जी ने कहा है वो सही कहा है। बहरहाल सभी एग्जिट पोल्स भाजपा सरकार की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर एग्जिट पोल्स के अनुमान नतीजों में बदलते हैं तो बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत होगी और समाजवादी गठबंधन के लिए बड़ा झटका। हालांकि हाथी की सुस्ती और कांग्रेस की लड़की का ना लड़ पाना भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में समझना ये भी होगा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक आखिर ऐसे कौन से समीकरण रहे जिसमें बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी रहा। आज इस महा एग्जिट पोल पर करेंगे महामंथन, आखिर किसे मिलेगा यूपी का सिंहासन। मसला केवल भाजपा और सपा की कुश्ती कहीं नहीं है। अगर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसी को हम मान ले के उसी के आसपास के नतीजे रहेंगे, यथावत तो कभी नहीं रह सकते लेकिन आसपास भी अगर रहेंगे तो ये भी सवाल उठेगा कि कांग्रेस का जो तुरुप का पत्ता है प्रियंका गांधी, क्या वो उनका भी कोई असर उत्तर प्रदेश में नहीं। एग्जिट पोल बता रहे हैं कोई 4% वोट बता रहा, कोई 5, यानी जो 6-6.5% वोट था वो भी घट के नीचे आ जाएगा। और बहन जी जिनके लिए ये कहा जाता था कि भाई कोई मौसम हो बसपा का वोट शेयर 20% से नीचे नहीं, एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं 12%, 13%, 14%, यानी इनकी भी लुटिया डूब गई। ये बड़े सवाल खड़े होंगे और बड़े राजनेताओं को जनता के बीच में इनका उत्तर भी देना पड़ेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े उनका परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ओपी सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत। अमान खान नेता समाजवादी पार्टी, अमान जी का बहुत बहुत स्वागत। केबी त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस, त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत। सुरेश चंद्रा जी वरिष्ठ नेता है बीएसपी के, सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं अमान खान आपसे बात शुरू करूंगा। मुझे 3 बातें बताइए, 1, 2, 3 करके, है ना, जिनके चलते आपको और आपके नेता को लगा कि ये एग्जिट पोल हमें मंजूर नहीं, या ये एग्जिट पोल उन चीज उस भाव को नहीं दिखा रहे जो जनता का है। 1, 2, 3 करके 3 बातें बताइए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारे दर्जन भर एग्जिट पोल जो कल आए वो ठीक नहीं है? देखिए अमिताभ सर, निश्चित रूप से ये जिस तरह से एग्जिट पोल आए इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। और मुझे ये लगता है कि तमाम बड़े पत्रकार भी ये बात ये कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से बदलाव की लहर और कल से जिस तरह से ये चैनलों ने दिखाया और आम जनता में एक परेशानी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर ये अधिकारियों पे दबाव बनाना और हमारा गठबंधन और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करना, और जो ये 10 तारीख को काउंटिंग होनी है इसमें ताकि अधिकारी इनकी तरफ थोड़ा सा सख्त रूप से समझ में आए। एक मिनट रुको, नैरेटिव नहीं, 1, 2, 3 बातें अभी पहले सिर्फ इतना बताइए, फिर बाकी दोबारा में आएंगे तब बाकी चर्चा करेंगे। अभी 3 बातें बताइए जिसके चलते अखिलेश यादव को से लेके आप तक को लग रहा कि भाई ये एग्जिट पोल ठीक नहीं।
सर एग्जिट पोल हमने बंगाल का भी देखा और एग्जिट पोल हम लोग देख रहे हैं अभी कल से ये जो चल रहा है एग्जिट पोल ये भी देख रहे हैं। हम आपको फिर एक बार यकीन दिखा रहे हैं कि जो मीडिया हमको जैसे आपका चैनल 146 to 160 दे रहा है, हम आपको यकीन दिखाते हैं हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन 300 के आसपास है। बदलाव की लहर है जो जन सैलाब था हमारी मीटिंगों में भैया ठीक अब रुक जाओ आप जो बात मैंने पूछी नहीं बताया रुक जाओ भाई अब रुक जाइए। ओपी सिंह जी समाजवादी पार्टी उसको मैं 1 2 3 मांग रहा था वो उसको नैरेटिव में बता रहे थे लेकिन आपसे मैं वही बात 1 2 3 करके जानना चाहूँगा। ऐसे तीन कारण आपको क्या लगते हैं अगर एग्जिट पोल में जो मूल स्वर है वही एग्जिट उसमें आता है परिणाम रिजल्ट में तो तीन कारण मुझे बताइए जिनसे आपको लगता है कि 1985 से जो रवायत उत्तर प्रदेश में चली आ रही थी वो पलट गई और भाजपा अपनी सरकार को दोबारा ले आई। ऐसे तीन कारण अगर एग्जिट पोल की लाइन पर 10 तारीख को नतीजे जाते हैं तो जी अफ्ताब जी 1.5-2 महीने तक आपने डिबेट चलाई इसकी लड़ाई है खून मैदान में 20 है 19 है हम लोग लड़ते रहे मेरी जी। सरकार सपा कहती थी मेरी कांग्रेस कहती थी मेरी बसपा कहती थी मेरी वो दिन भी चला गया जनादेश हो गया जनता जनार्दन का आदेश हो गया आप लोगों ने एग्जिट पोल भी दिखा दिया। अब आप जो तीन कारण पूछ रहे हैं मैं केवल तीन लाइन में तीन कारण बता क्यों हम जीत रहे हैं। नंबर एक प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व में चुनाव लड़ना दूसरा हम बार बार कहते रहे कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे और तीसरा हम गरीबों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जो लागू किया था उसमें हमको पूरा भरोसा था कि जो लोग नारा दे रहे हैं कि जाति का नारा धर्म का नारा ये सारे नारा इनका पता नहीं चलेगा कि नारा गया क्यों क्योंकि अगर हमने जाति और धर्म के नाम पर योजनाएं चलाई हो केंद्र प्रदेश सरकार की तब तो हम बात कर हमने तो कहा भैया हम तो सबके लिए योजनाएं चलाए और उन योजनाओं का गांव गांव घर का लाभ देखिए अफ्ताब जी इतने दिन से आप पुराने पत्रकार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं 70 साल चाहे जिसकी सरकार रही हो जनता की सरकार में भागीदारी पहली बार गई और यही कारण कि हम जीत रहे अगर उन आवश्यकताओं को जिनको 5 साल में हमने पूरा किया है दूसरी पार्टियां पूरी करती तो शायद हम दावे के साथ नहीं कर सकते कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। इसलिए अब छोड़िए 1.5 दिन और बचा है जिसको सरकार बनानी हो चैनल पर बना ले बाकी जनादेश हो चुका है और एग्जिट पोल भी आपका बता चुका है जिसके लोगों को ठीक ठीक सुरेश जी आपकी पार्टी के बारे में अच्छा प्रेडिक्शन किसी भी एग्जिट पोल में नहीं है। सरकार बनाना छोड़ो मतलब ये समझ लो कि कोरोना ग्रस्त हो गया मामला ऐसा लग रहा है नहीं अमिताभ जी ये बड़े प्रायोजित सुनिश्चित इस तरीके से चुनाव से पहले ओपिनियन पोल और चुनाव के बाद रिजल्ट से पहले अरे मान लो एक बात सुरेश जी फिर आप बोलिएगा आपको पूरा समय मिलेगा एक मिनट मेरी अरे एक मिनट रुकिए एक सप्लीमेंट्री सुन लीजिए मैं ये बात नहीं समझ पा रहा ये बात अमान भी कह रहे थे आप भी कह रहे हो और के बी त्रिपाठी भी कहेंगे मुझे पूरा भरोसा है मैं एक बात अरे सुन लो भाई अमिताभ जी सुनो एक मिनट मैं एक बात नहीं समझ पाया अब तो वोट पड़ गया अब एग्जिट पोल काला दिखाए जे सफेद दिखाए अब वोट तो दोबारा हो नहीं ना जो वोट पड़ना था ईवीएम में बंद हो गया फिर क्या दिक्कत ये झूठे निकलेंगे और क्यों निकलेंगे क्योंकि जब 14-15 मंत्री हैं एमएलए हैं जिनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है जनता आक्रोशित है इनकी कोई भी प्लानिंग पूरी नहीं हुई तो कैसे इस तरह का ये एग्जिट पोल एक्चुअल पोल में बदल जाएगा ये तो हर कोई इंसान दिमाग रखता है कि जिनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया हो क्या कांग्रेस का कोई पीटा क्या भगाया क्या बसपा का कोई भगाया क्या जो मतलब कोई सपा का भगाया इन्हीं को क्यों भगाया गया
इसका मतलब हुआ किसान और जवान सारे लोग नाराज। अरे भाई किसान जवान एक मिनट ठीक है, अब मुझे कांग्रेस के पास चलना। सुरेश जी अब धैर्य रखो, सुरेश जी भी हमारे मित्र हैं, पुराने नेता हैं, गजब बात कहते हैं। अच्छा चलो हम कहते हैं, केवी त्रिपाठी के पास आ रहा हूँ सुरेश जी, अब जवाब मत देने लगेगा, एक टिप्पणी करके त्रिपाठी जी के पास जाऊँगा। मान लें कि 20 विधायक इनके दौड़ाए गए होंगे, 30 दौड़ाए गए होंगे, 40 दौड़ाए गए होंगे, आपने 20 बताया मैंने डबल कर दिए, तो 325 में 40 घटा दिए, तब भी सरकार, मैं पूछ रहा हूँ सरकार तो बन रही भैया, घटाए दौड़ाए गए वाले सब काट दो, तब समझना तो पड़ेगा। इसलिए वही बात बोलिए जो टिक जाए, ठीक है ठीक है। त्रिपाठी जी कांग्रेस के बसपा का माइंडसेट दूसरा है, बसपा की फंक्शनिंग दूसरी है, ठीक है ना, वो अपने ढंग की एक पार्टी है, एक सिस्टम है, वो छोड़िए उस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है क्या। भारत ने न वैसी पार्टी न वैसा सिस्टम कभी देखा ही नहीं बसपा से पहले, लेकिन कांग्रेस तो दूसरे किस्म की पार्टी है, मूलधारा की पार्टी रही, इतने समय तक उसने शासन किया। उत्तर प्रदेश के किसी कोने से किसी एग्जिट पोल में किसी चरण में क्या, मैंने 12 एग्जिट पोल देखे, करीब 12 ही आए, 11-12 सबके चरण वाइज देखे, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर मुझे नहीं दिखी। मान लो 18-20 हो भी जाए एग्जिट पोल, 15-20 भी हो जाए, तो सपा और भाजपा में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। आपके लिए तो 1 से 100 और 100 से 1 हो रहे हो एग्जिट पोल, तब कहीं कोई रास्ता दिखे, और वो तो होता नहीं कभी। त्रिपाठी जी पर इसमें मसला ही नहीं, मसला ये है कि जो ना मानियो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार। आपने जो तुरुप का पत्ता इतने सालों से सहेज के रखा था, कभी कभी होली दिवाली उसको थोड़ा बहुत धूप दिखाते थे कि भाई हमारे पास प्रियंका जी हैं, ठीक, इस चुनाव में प्रियंका जी की लीडरशिप सामने थी, और अगर यही परिणाम आया जो एग्जिट पोल कह रहे, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछिए तो मैं कभी इलेक्शन में प्रेडिक्शन करता ही नहीं, इसलिए नहीं, मेरी समझ भी बनती है तो भी मैं संकेतों में बात करके निकल जाता हूं। उसका कारण है, अगर मैं ओपी सिंह साहब, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में बाबू होता किसी जज का, तो फैसला मुझे ही लिखवाते वो बोल के टाइपिस्ट, लेकिन मुझे फैसला अनाउंस करने का हक तो नहीं ना, अनाउंस न्यायाधीश को ही करना चाहिए, इसलिए जनादेश की घोषणा वहीं से होनी चाहिए जहां से होती है। खैर त्रिपाठी जी, आपको कभी ऐसा इल्म भी था कि प्रियंका गांधी को उतार भाई अजय कुमार लल्लू की लीडरशिप में लड़े होते, ये भी भला है 4 से 6, अब उनसे ऊपर कहां से लाओगे। सोनिया जी स्वस्थ नहीं, प्रियंका जी सबसे बड़ा चेहरा, वो लड़ ली उनकी लीडरशिप में, क्या स्थिति है अमिताभ जी। दरअसल कांग्रेस इस समय नई राजनीति की शुरुआत कर रही है, और आपके चैनल पे चुनाव अभियान के दौरान भी जब हम बैठते थे बात करते थे, पहली बार विशेष रूप से मुद्दों की राजनीति को कांग्रेस सामने लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां हमारा संगठन बहुत कमजोर था, प्रियंका जी ने एक बड़ी मेहनत करके वो संगठन खड़ा किया। हम पहली बात तो जो आपने खुद ही कह दी कि एग्जिट पोल से सहमत नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 10 मार्च को भी ये हो जाए, तब भी मैं कह रहा हूं कि प्रियंका जी की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो कम नहीं होने वाला। कल अंतिम चरण का चुनाव हुआ, अरे भाई असफल तो हो गई बुरी तरीके से। भाई देखो, अब सचिन तेंदुलकर को हम उतार दें अपनी टीम में और वो 0 पर लौट आए, तब तो बड़ी बदनामी होती है। सचिन तेंदुलकर इसीलिए रखे जाते हैं, आदमी जड़ाऊ जड़ाऊ कपड़े और जड़ाऊ हार क्यों रखता है कि भाई कोई बड़ी शादी ब्याह होगी तो जड़ाऊ कपड़े जड़ाऊ हार पहन के जाएंगे, तो ये तो कांग्रेस की जड़ाऊ हार है ना, अब इनसे बड़ा चेहरा कहां से लाओगे। चेहरा बड़ा लाने की जरूरत नहीं है, प्रियंका जी का ऑलरेडी बहुत बड़ा चेहरा है, और लोकतंत्र में जीत हार दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, जीतती भी वही पार्टी है तो सिक्का कभी पलटे भी तो, ये तो पट ही गिर रहा है। अमान जैसे उम्र के जो नौजवान है, इन्होंने तो जब से जन्म लिया होगा तब से देख रहे कांग्रेस का सिक्का पट ही गिर रहा, चित्त भी तो आए कभी नहीं।
आएगा बिल्कुल। आखिरी सरकार नरेंद्र जी की थी 89 में, अमान 89 में आप कितने साल के थे? ये हुए होंगे, अगर हुए भी ना हो तो भैया कभी तो सिक्का सीधा गिरे दादा, नहीं बिल्कुल गिरेगा अमिताभ जी, सिक्का बिल्कुल सीधा गिरेगा। अभी तो 10 मार्च का इंतजार करिए, शायद इस देश में और पूरी दुनिया में पहली बार एक अभियान चला हो कि कांग्रेस मुक्त भारत, एक कोशिश की जा रही है। आप इसकी भी पर्दे के पीछे की सच्चाई की ओर जरा नजर डालिए, वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही, मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन रही, पंजाब में आपकी सरकार बन रही। ये एग्जिट पोल बहुत ही फेक है, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, आपने सबको खारिज किया, मैं लेकिन एक बात कह दूं, अधिकांश एग्जिट पोल में, ये कांग्रेस की कंजम्पशन के लिए कह रहा हूं, उन्होंने सबको एक लाइन से खारिज किया, इसलिए अधिकांश एग्जिट पोल में उत्तराखंड में कांग्रेस को एज दिखाई गई है, अपर हैंड दिखाया गया और कई में सरकार बनती दिखाई गई है। ठीक, इसलिए ऐसा बयान मत दीजिए कि सब में कांग्रेस को मुक्त कर दिया, ऐसा नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस युक्त रखी है एग्जिट पोल्स ने, है ना, लेकिन जहां दिखेंगे ना वही रखेंगे भैया, कि अपने घर से डाल, अपने घर से माल बत्ता लगाएंगे, बताओ। उसमें भी हकीकत से अलग दिखाया जा रहा है अमिताभ जी, यही कह रहा हूं, उसमें भी हकीकत से अलग दिखाया जा रहा है उत्तराखंड के मामले में भी। तो 2/3 तो आप नहीं जीत रहे वहां, उत्तराखंड का मिजाज आप जानते हैं ना, आधी राजनीति भाजपा और कांग्रेस की, तो वहां दल बदलू करते हैं। अरे छोड़ो भाई, 40 हम जीत रहे हैं, अब आप भगवान करे आप 70 जीतो, कौन रोक रहा है आपको, 10 तारीख तक तो कोई नहीं रोक रहा। लेकिन थोड़ा बहुत अपने नेताओं के बारे में भी चिंतन करिए, कार्यकर्ताओं के बारे में चिंतन नेता करे ओपी सिंह जी, और कार्यकर्ताओं को नेताओं के बारे में भी चिंतन करते रहना चाहिए। नेता कोई ही साथ में आसमान से उतरा थोड़ी ना होता है कि ना ना भैया नेता हैं अब क्या हमारे, नहीं, नेता रिजल्ट नहीं दे पा रहा, नेता बदलना चाहिए। ओपी सिंह जी, कोई ही ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि नेता रिजल्ट दे ना दे, शंकर जी की मठिया तो है नहीं कि रहेगी यही। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब पार्टी का जन्म, पार्टी जो है परिवार से चलता हो, पुश्तैनी चलता हो, राजा का बेटा जो है राजकुमार, राजा की बेटी जो है राजकुमारी, फिर उसका बेटा राजकुमार, फिर उसके, तो देखिए ऐसा है अमिताभ जी, कटु बात तो सही ये है कि 2014 के पहले तो राजा रानी परिवारवाद चलता था, 2014 में एक ऐसा बदलाव इस देश की जनता ने किया कि जहां से परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण, ये सब जितनी राजनीति थे इसको जनता ने अलविदा कर दिया। अच्छा, हम अगर जन भावनाओं के रूप न चले, इसमें गलती किसकी, हमारी की, आपकी है, भारतीय जनता पार्टी का जन भावनाओं के रूप चल रही, तो 14 में पाई, 17 में पाई, 19 पाई, 22 पाई, फिर 24 में पाएगी। जिस दिन हम जन भावनाओं के विपरीत जाएंगे तो क्या हम ये अपेक्षा करें कि हमको पार्टी जिताती रहेगी? आप जन भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, अगर जन भावनाओं के विपरीत चलेंगे तो कहां से चले, ये एग्जिट पोल है, अभी परसों का इंतजार करिए साहब। सुनो भैया, आप गलत बयान कर रहे हैं भाई, आप गलत बयान कर रहे हैं, देखिए आप गलत बयान कर रहे हैं भाई, ये भीड़ है, समय इनको दीजिए, कब तक, 10 तारीख को 10 बजे तक इनको समय ज्यादा दीजिए, हमसे कम पूछिए, इनको ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि इनकी सरकार बन रही है, ये बहुत उतावले है, आप सब लोग को, हम लोग यहाँ किसी को मान लीजिए तय कर ले, हमने किसी को नहीं बोलने दिया,
सोशल मीडिया पे 10 लोग जिंदाबाद कर देंगे मेरा, ठीक। उससे ईवीएम में एक वोट कम ज्यादा नहीं करवा पाओगे कोई, जो होना था हो गया यार, काहे को इतना टेंशन ले रहे हो। अब तो या तो भगवान मनाओ, वो तब भी ठीक काम है, हल्ला गुल्लस के हासिल, या तो दरगाह जाओ, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, वहां का रास्ता तो तब भी ठीक है, मैं तो धार्मिक आदमी हूं। ये दुआ का वक्त है, झगड़े का थोड़ी ना। खैर अमान खान, मैं फिर ये राइडर लगा के बोल रहा हूँ सबसे, नहीं सब लोग हमसे नाराज हो जाते हो कि दादी अभी तो एक्चुअल परिणाम नहीं आए। अगर ऐसा हुआ तो ये सबके लिए है, और नहीं हुआ तो फिर अपन 10 तारीख को दूसरी बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ जैसा ये 12 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि बड़े दल और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध छोटे से छोटे दल, इसके बाद दल ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्या गोंडवाना विकास पार्टी तक सबसे अलायंस हो गया प्रयोग के तौर पर, और कोई अलायंस सक्सेस नहीं हुआ, यह बड़ा सवाल नहीं उठेगा? भाई बसपा से हो लिया, कांग्रेस से हो लिया, फिर छोटे दलों से हो लिया, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल और संजय चौहान, ये सब लोग हैं, और गोंडवाना वाले तक, केशव देव महान पार्टी वाले। भैया अमान, तब ये सवाल नहीं उठेगा कि अब तो प्रयोग के लिए जमीन ही नहीं बची, अब क्या भाजपा से अलायंस होगा? और तो कोई बचा नहीं यूपी में साहब जी। एग्जिट पोल पे एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बिल्कुल कहिए। तुम्हारी फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। 10 मार्च बड़ा बदलाव जो आप दिखा रहे हैं उसके डबल 300 के आसपास समाजवादी पार्टी गठबंधन है, परसों तक का इंतजार। देखिए हमने भैया परसों तक के लिए, या तो मैं टीवी बंद कर दूं और कह दूं परसों दोपहर 3 बजे के बाद ही खोलेंगे। आप भाषण सब लोग देते रहो, हैं? दे प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोके रहो, हैं? दे इंटरव्यू ठोके रहो, हैं? दाए इंटरव्यू, बाए इंटरव्यू, छत पे इंटरव्यू, छत के नीचे इंटरव्यू, गजब कर रहे हो सब लोग, हैं? कोई ना मिले तो ANI पकड़ लो, आधा घंटा उसी को दो भाषण, हैं? और अमिताभ जी से कह रहे हो कि बताइए अभी दिया असली रिजल्ट है क्या, तो बंद कर दे। परसों तक का इंतजार, बिल्कुल परसों तक का इंतजार। हम इस एग्जिट पोल से कहीं पर से भी संतुष्ट नहीं है साहब, और कोई जवरिया भी नहीं है कि हमें संतुष्टि करा ले। जिस तरह से कल से लेके और अभी तक 12-15 चैनल लगातार सफाया पूरी तरह से, इसका क्या मतलब है? जब चुनाव के दौरान हमने आपकी भी डिबेट देखी, चुनाव के दौरान आपने बताया कि किस तरह से अखबार का फ्रंट पेज भरे थे, तो उस हिसाब से तो फिर ये तो हम लोगों को लग ही रहा था कि एग्जिट पोल में हमें दिखाएंगे। 2 चिट्ठियां कल प्रोफेसर रामगोपाल जी ने लिख के दी और हमारे सभी कार्यकर्ता नेताओं से कहा कि 10 तारीख अपनी काउंटिंग में डट के काउंटिंग कराइएगा, समाजवादी और गठबंधन की सरकार आ रही है साहब जी। ठीक है, अच्छा एक बात नहीं समझ में आती भाई त्रिपाठी जी, नेता लोग हमसे कहते, हमसे मतलब मीडिया से कहते हैं कि आप 10 तारीख तक शांत रहो, क्या? लेकिन हमको बोलने दो, हम एक मिनट भी शांत नहीं रहेंगे नेता लोग, आप लोग चुप रहो, ये कैसे चलेगा? नहीं, छोटे से छोटा नेता जो है वो भाषण झोंके हुए, कोई मान रहा है इस वक्त चुनाव के मौसम में? नहीं। और मीडिया से कह रहे कि आप लोग टीवी बंद कर दो, अखबार मत छापो, कैसे चलेगा भैया? नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल छापिए, इतना विज्ञापन आप भारतीय जनता पार्टी का छापे हैं तो वो भी छापना पड़ेगा चैनलों को और अखबारों को। भारतीय जनता पार्टी ने जिस पैकेज पे विज्ञापन दिए हैं, अखबारों की जो स्थिति है अमिताभ जी, वो नैतिकता मांगती है कि आप एग्जिट पोल ऐसे दिखाएं और उनपे बातचीत हो, उस पर कोई हमें ऐतराज नहीं है। हाँ, हमारी बात भी आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे पत्रकार निश्चित तौर पर नए एंगल से मुद्दे लेकर आते हैं, अमान खान अभी नहीं। एक बात त्रिपाठी जी का उत्तर दे दूं मैं, हालांकि मीडिया और सबके युद्ध में पड़ता नहीं, लेकिन आपने कहा है मेरी इच्छा होगी इसलिए उत्तर दे दूं।
आज श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का भी एक फुल पेज एड मैंने उत्तर प्रदेश के अखबारों में देखा। बीजेपी का एड घूस है तो प्रियंका जी का एड सत्यनारायण कथा है क्या? इसलिए ऐसा हो स्वीपिंग रिमार्क मत करो भाई सबके लिए कि सब चोर हैं, सब बिके हुए हैं, फलाना है ठिकाना है। आप सरकार में रहे हो, आपको तो ऐसी भाषा ठीक नहीं, आप लोगों को, और कई कुछ राज्यों में सरकार में हो, आगे नहीं आओगे अलग बात है, लेकिन अभी तो हो। क्या चन्नी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ वहां पंजाब में? सबसे ज्यादा इंटरव्यू चन्नी के ही चले, सबसे ज्यादा छपे चन्नी के। चन्नी पंजाब के प्रताप सिंह कैरो है? नहीं है ना। बादल है? नहीं है ना। अभी चन्नी का स्ट्रेचर तो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा स्ट्रेचर है ना। वो कैरो है ना, वो प्रकाश सिंह बादल है, क्यों इतना छपे? दोस्त सब वही कर रहे हो गोरख धंधा, इसलिए हमारा मुंह ना खुलवाया करो। जिस विधि से भाजपा रसगुल्ला बना रहे उसी से आप बना रहे, इसी बात मत समझाओ हमको, जिस पर हमको एक सामान्य व्यवहार से अतिरिक्त कोई बात कही नहीं पड़े, अच्छी अच्छे से अच्छा शोभा नहीं देता ये सब चीजें। आपने तो चन्नी को उदाहरण देखा, उससे पहले चन्नी कौन पूछ रहा था, कौन जानता था? और मैं वो भी नहीं कहूंगा कि चन्नी ने चीफ मिनिस्टर बनते सबसे पहला काम कितने करोड़ विज्ञापन के लिए रिलीज किए, उसमें मैं नहीं खुलासा करूंगा। सबको अच्छा लगता है भैया त्रिपाठी जी की मेरी फोटो छपे नहीं, लड़की है लड़ सकती है, कई फोटो क्यों छपे, पर सबका छपेगा। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, ये भी छपाएंगे फुल पेज, कौन रोक लेगा? इसलिए मीडिया को लांछित करिए, आपका हक है। जैसे मीडिया आप पर सवाल उठाता आप उस पर उठाओ, लेकिन हर वक्त नहीं और हर मंच पर नहीं। तब तुम इतना तो देख लो भाई, ऐसे तो बड़ा सुरेश जी मीडिया को कोसे बिना, ठीक है ना, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होना मीडिया को। मान लो लानत में लानत एक गिलास पानी पी के कोस भी दो तो उससे क्या हासिल होगा? सीटें तो बढ़नी नहीं, जो होना तो हो गया। मुझे ये बताओ, अभी तक एक सम्मानजनक बात रहती थी कि भाई कोई बात, कोई भी पार्टी जीते, कोई सरकार बनाए, बसपा सरकार नहीं बना पाती है, लेकिन 20% शेयर उसके पास है उत्तर प्रदेश में वोट का। इसी से मायावती जी का टेलीफोन बजता रहता था कि भाई चलो 20% है, लेकिन अब की तो ये लोग सारे 12 एग्जिट पोल दूसरा तरीका दिखा दिए। अमिताभ जी जी, इन एग्जिट पोल पर इसीलिए यकीन नहीं हो रहा है कि बागपत से लेकर के बलिया तक, गाजीपुर से लेकर के उधर गाजीपुर तक, पूरे प्रांत में पूरी इनका विरोध हुआ बीजेपी का। और इतना ही नहीं, देखिएगा शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और दौड़ा करके पीटने वाली बात मैंने पहले कह दी, हालांकि हम उस असभ्यता से सहमत नहीं हैं, और कहीं पर भी भीड़ नहीं रही केवल काशी को छोड़ करके। तो और यहां तक भी लोग कहते सुने गए, मेरे से भी बात हुई है इंडिविजुअल, अमिताभ जी बड़ा क्लियर कर रहा हूं, मैं आप पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं कि भैया हम तो हमारी तनख्वाह दे दो, और यहां तक भी हाजिरी लगाने की बात हुई है, उसके बावजूद फिर यदि ये एग्जिट पोल सही बन गया तो फिर मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से कि कहीं कैराना पर बिना नेम प्लेट की, नंबर प्लेट की जो गाड़ी थी जिससे ईवीएम पकड़ी गई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? वाह वाह वाह, समझ गया। अरे अरे अरे, देखो अब असली बात आई। मैं इतनी देर से परेशान था कि इतनी देर हो गई ईवीएम को नहीं लाए, अभी मैं सोच रहा था कि भाई कोई भी ला सकता है, लेकिन सुरेश जी ईवीएम को पकड़ लाए। अरे भाई वहां कैसे पड़ी पाई गई?
ओपी सिंह जी अभी तो बक्से खुले नहीं, बताइए ईवीएम भी सोचती होगी कि गुनाह बेलज्जत, गलती कोई करे जो होता है आक्षेप मैं झेलू। हम तो पहले ही कहते हैं अमिताभ जी, रुकिए सुरेश जी आगे आपकी बात, मैं एक बात कह के ओपी सिंह इस पर रिएक्शन लूंगा। ओपी सिंह जी एक मिनट, साल भर पढ़े नहीं, साल जो बच्चा साल भर पढ़ा नहीं, क्लास में गया नहीं, ट्यूशन गया नहीं, घर में रहा, वो बच्चा अच्छे नंबर की प्रतीक्षा क्यों करता है? नहीं ठीक है ना, जनता के बीच में रहिए तो चुनाव में सफलता करिए। ये क्या राजशाही है कि हम एक महीने के लिए निकलेंगे और पांच जगह जाएंगे यूपी में और ऐसे ऐसे करेंगे और फिर से प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे, ये सब ठीक नहीं। ओपी सिंह आप बताइए, अरे आपके कहे से वोट नहीं मिलेगा ना सुरेश भाई, मायावती को 5 साल जमीन पर रहना होगा, हमारा आपके कहे से नहीं मिलेगा ना इस तरह का। अरे उनको शांत कराइए भाई, ठीक है सुरेश जी, रुकिए भैया। ओपी सिंह जी, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि ईवीएम नाम की जो मौसी है वो अखाड़ा में कब आती है, वो आ गई। देखिए ऐसा है अमिताभ जी कि हम भी बड़ा आश्चर्यजनक बैठे थे कि डिबेट का विषय बदल नहीं रहा, क्योंकि के बाद तो ईवीएम महाराज को आई जाना चाहिए था। अब वो ईवीएम आ नहीं रहा था, लेकिन आपने इनको ईवीएम तो लाना ही लाना है। देखिए एक बार छोटी सी बात कहूंगा, अरे सुनो भाई, आप सुरेश जी एक मिनट रुकिए भाई जी, फिर बोर्ड की धरती आ गई। मैंने पहले कहा कि मुझसे कम समय भी, मेरा समय भी इन्हीं तीनों लोगों को दे दीजिए, क्योंकि 10 के बाद हमको ही समय देना, ये मिलेंगे। मैं एक दृष्टांत के बाद बताऊंगा ये क्यों नहीं मानेंगे। देखिए जब महाभारत युद्ध हुआ था, समझाया गया नहीं मान, दुर्योधन लड़ता रहा, उसकी सेना चली गई, उसके भाई बंधु चले गए, लेकिन दुर्योधन तब तक हार नहीं माना जब तक वो स्वयं जो है मौत के गाल में नहीं गया। ये 10 तारीख को 10 बजे तक ये कतई नहीं मानेंगे। डिबेट का जो, अरे इस बात पर भी, इस बात पर भी आपको जवाब मिलेगा, इस बात पर भी जवाब मिलेगा। राजनीति में धर्म को लाने पर, धर्म से पूरा देश बर्बाद करने पर इसका भी जवाब मिलेगा। चिंता नहीं, जवाब मिलेगा। अरे अंधविश्वास नहीं तो आपने देश को बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने भाई इसके मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान इसमें आप लोगों ने बहकाया है, क्यों जो है 100-150-200 सीटें जो है 10 पर लटक के इस पर चिंता करते तो ज्यादा बेहतर होता, पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस चिंता करेगी, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है, अतीका इति होती है, प्राकृतिक व्यवस्था का नियम है, अतीत की इति होती है। जवाब जनता देती है ना, जनता दे रही है, जनता नहीं तो भाई एक मिनट मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, 20 सेकंड के एक एड लेना है, 20 सेकंड का, तुरंत आए। चुपे लीक करेगा नहीं करेगा सर, लीक करता है, रोज करता है, कभी नहीं करता सर, प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ प्रयाग, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। चुपे लीक करेगा नहीं करेगा सर, लीक करता है, रोज करता है, कभी नहीं करता सर, प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ प्रयाग, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरम सिर्फ मरम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है।
केसी मरम व तैलम 1957 से दर्द पे असदा। अमान खान, मैंने अभी 3 दिन पहले इसी मंच पर इसी समय जब बहस कर रहा था तो मैंने सारे दलों के नेताओं से ये वचन भरवाया था कि भाई अब की परिणाम कुछ भी आएंगे हम ईवीएम के सर ठीक ना नहीं फोड़ेंगे। सब बोले हाँ नहीं फोड़ेंगे भाई साहब। क्या अभी 10 तारीख आई नहीं और ईवीएम चौराहे पर रुसवा होने लगी? तो अमान खान क्या हुआ? अरे रुको सुरेश जी, रुको भाई। अमिताभ सर एक बात, आपने अभी कुछ देर पहले एक बात कही, आपने कहा अगर ये परिणाम यही हुए जो आ रहे हैं तो फिर क्या। मैं एक बात मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर ये परिणाम नहीं हुए तो चैनल पे क्या। ठीक बात। और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स करती है, देखिए साहब पूरे चुनाव के दौरान लगातार उन्होंने विज्ञापन दिए और सारी चीज किए, और अगर ये परिणाम नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं करेगा, मीडिया चैनल पे बैठ के मीडिया वालों से बात होगी कि भाई ये बताइए कि आप जो दिखा रहे हो भारतीय जनता पार्टी में, शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो साहब कह रहे हैं कि 10 के बाद हम ही मिलेंगे, क्या पता वो आए ना डिबेट पे, वो छोड़ देंगे मीडिया। तो कम से कम मीडिया को भी ये देखना चाहिए कि आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार और लगातार चैनलों का आप बिल्कुल क्लीन दिए दे रहे हैं, और यही बंगाल में किया था आपने, यही बंगाल में हम लोगों ने तस्वीर देखी भाई। और जब परिणाम आए तो उसका एक उल्टा आ गया। ठीक अमान खान आपने बोल ली, अब मैं इस पे एक टिप्पणी कर दूं। मैं कभी जनादेश पर कोई संख्या नहीं देता, ठीक, जनादेश की 35 साल में कभी नहीं। बाकी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, वो करती हैं, चैनल का उनसे अनुबंध होता है, वो चला देते हैं, ठीक बात। एजेंसी जाने, उसको चलाने वाले जाने अपनी विश्वसनीयता के बारे में, उसकी जिम्मेदारी अमिताभ अग्निहोत्री की नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री की जिम्मेदारी उतनी कि अगर मैं बोलूंगा कि भाजपा इतनी सीट पर आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी लूंगा, ठीक। पार्टियों में प्रवक्ता बदल सकते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री तो दूसरा नहीं बदल जाएगा, जान लीजिए, है ना। मैंने बोला क्या ऐसा? नहीं ना, मैं 10 तारीख को ईवीएम के ही जरिए सुनूंगा। आप लोग थेतराई कर सकते हो, मैं नहीं करता जीवन में कभी थेतराई कि दाएं भी भाग लो बाएं भी भाग लो और मौका मिले गली में भी छुप जाओ, नो। अरे विज्ञापन विज्ञापन का शोर जो है ना, ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ठीक है। कौन सा मुख्यमंत्री है जो अपने शासनकाल में विज्ञापन से भर नहीं दिया? कौन सा है? मैं आंकड़े दे दूंगा, आंकड़े दे दूंगा। कौन मुख्यमंत्री है जिसने ये नहीं किया कि भाई मेरे शासनकाल में हर महीने में 2-4 बार फुल पेज छपता रहे? कौन है जिसने नहीं किया? मायावती ने नहीं किया, अखिलेश यादव ने नहीं किया, किया यार। गजब बात करते हो, गजब बात करते हो, कुछ बात सही बोलो ना। बंगाल का दिखा दिया और अखबार ने भी छाप दिया, ये देख लीजिए आप। भाई आपने विज्ञापन में, यार आप लोग बहस को दूसरी जगह ले जा रहे हो। अमिताभ बच्चन में करना नहीं चाहता कड़वाहट आप लोग पैदा करा देते, क्योंकि आप लोगों की समझ अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि अपनी पार्टी को डिफेंड भी कैसे करें ताकि और ना फंस जाए, वो भी नहीं समझ पाते। खैर चलिए, नहीं तो झेलिए झेलिए। अमिताभ बच्चन को पैसा दिया, वो कलाकार आदमी, रेट बैठ गया, उनने कहा हम कर देंगे भाई, क्योंकि यूपी में है दम, क्योंकि यहां है जुर्म कम, विज्ञापन आया था ना। और जिस अखबार के पहले पन्ने भी छपता था उसी के अंदर ये छपता था कि रामलाल मारे गए और श्यामलाल पेड़ पे लटके पाए गए, चल छपता था ना। तो क्या बच्चन साहब को फांसी दे दोगे? उन पर मुकदमा कर दोगे क्या? क्या अमिताभ बच्चन पे मुकदमा कर देंगे आप? अजब बात कर रहे, हो सकता कोई सिरफिरा उठ के आ जाता, कहता हम भाजपा से आए हैं और बताओ अब ये कह रहे समाजवादी पार्टी में जुर्म यहां कम, और अंदर छपी है इसी अखबार में खबर कि रामलाल मर गए, मार डाले गए। बहन जी ने बड़ी बड़ी हाथियों की फोटो छपाई,
तो हाथी मुकदमा कर दोगे क्या यार? कायदे की बात तो करो, सब लोग कहीं भी उठाया लाठी, ये रवैया बदल दीजिए सब लोग, ठीक है ना? इससे कुछ हासिल नहीं होना, हासिल होगा जनता आपके साथ खड़ी है तभी, अन्यथा कभी हासिल नहीं होगा। ऐसे कुंठित मनोवृत्ति से यही सब बातें सब लोग आपस में करते रहना कि मीडिया ऐसी हो गई, मीडिया वजह, कौन है जो शासन में रहा और जिसने ये नहीं चाहा कि मीडिया हमारी लिए अच्छा लिखे, अच्छा करे? कौन है? ड्रामा, हर आदमी जिसको देखो वो चपत मार के भागने की कोशिश कर रहा है। मैं अधिकारियों के नाम लेके बता दूं, मैं फंड बता दूं, कितने हजार करोड़ सबने खर्च किया, और जिनसे कहना उनसे कहो मेरे शो में मत कहो यार। एक माई का लाल कोई नेता बता दो, सारी पार्टियां, एक नेता बता दो जो ये कहे कि मैंने अमिताभ अग्निहोत्री को 1 किलो सोहन पपड़ी दी, बता दो। वो दूसरे लोग होंगे जिन्होंने प्लाट ले लिए है और बंगले बना लिए और गाड़ियां ले ली। मेरे अंदर साहस है आंख में आंख डाल के बात करने का, है ना? वो लोग सोचा जिन्होंने सिक्योरिटी ली, जिन्होंने ट्रांसफर कराया और पोस्टिंग कराई। अमिताभ अग्निहोत्री को इसी निर्भयता में जीता हूं। मैंने मायावती का शासन देखा, मैंने मुलायम सिंह का शासन देखा, अखिलेश यादव का देखा, योगी आदित्यनाथ का देखा, और उससे पहले वालों का, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, वीर बहादुर चंद्र, विश्वनाथ प्रताप। आप लोग मुझे समझाएंगे? ये मस्खरापन बंद कर दीजिए बिल्कुल। जहां बैठिए वहां चोर दलाल कोई दिखे उसको उससे तू तू में करिए, उसके यहां जाके। बाकी ये प्रचार बंद करिए कम से कम मेरे मंच पर ना, मुझे मंजूर नहीं, माफ करिएगा, मुझे मंजूर नहीं कि ऐसा होता। अरे जहां होता वहां जाओ ना यार, आपको जिस अखबार से शिकायत है उस अखबार का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। लेकिन करोगे क्या? कुएं भांग पर ही सब पी रहे हो, क्या करोगे? कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा भाई साहब, माफ करना मुझको। त्रिपाठी जी, ये बड़ा उत्तर भारत की राजनीति में बड़ा एक मूर्खतापूर्ण काल आ गया है। क्या किसी ने भी मुंह उठाया, कोई भी बात कह दी क्या? अरे चाचा, मीडिया क्या करेगा जब वोट नहीं मिल रहा? मीडिया वोट डलवा देगा, मीडिया वोट डलवा देगा। और क्या आप लोगों को इतनी सामान्य समझ नहीं? अरे रुक जाओ सुरेश जी, रुक जाओ, अभी पानी आनी पियो। त्रिपाठी जी, क्या इतनी सामान्य समझ नेताओं को नहीं? हर मुख्य, हर सरकार में चुनावी साल में, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, 2,500 करोड़ रुपया विज्ञापन में जाता है सरकार का, जाता है ना हर सरकार में, ठीक? नरेंद्र के समय में महंगाई कम थी, रेट कम थे तो कम जाता था, ठीक, लेकिन जाता है, राइट? फिर सरकारें लौट के क्यों नहीं आती? अगर विज्ञापन से ही सरकारें लौट के आती होती तो क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती? जिस सरकार को हटाकर भाजपा आई थी उसने चुनावी वर्ष में 2600 करोड़ रुपया ऐड दिया था, कैसे क्यों हार गई? कभी चिंतन नहीं करते हो क्यों हार गई? अगर टीवी अखबार के ऐड से ही सब होता होता तो क्यों हार गई त्रिपाठी जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, विज्ञापन से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है अपनी नीतियों से, जनता के बीच जाके अपने मुद्दों पे जो हम बातचीत करते हैं और जनता जो हमें भरोसा हम पर जाहिर करती है वो वोट में तब्दील होता है कि किस पार्टी को जनता चाहती है कि उसको नेतृत्व सौंपा जाए, जनता उसको जनमत देती है। विज्ञापन एक अलग प्रक्रिया है और जनता के बीच वोट लेने की एक अलग प्रक्रिया है और अपना अभियान चलाती है सभी पार्टियां। लोकतंत्र का यही खूबसूरत पक्ष होता है, लोकतंत्र जिसकी हम इतनी सराहना करते हैं उसका यही सबसे खूबसूरत पक्ष है कि जनता जिसको चाहेगी उसको मत देगी और जिसको बहुमत देगी वो सत्ता पे बैठेगा और वो सत्ता चलाएगा, नेतृत्व करेगा, 5 साल बाद फिर दोबारा मौका आएगा। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो सत्ता में रहेगा उसके पास पैसा होगा, वही विज्ञापन देगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस एग्जिट पोल पे आज हम बात कर रहे हैं, आपकी बात मान के कि ये मान लीजिए सही भी है, बात हमारी इस पे होनी चाहिए कि आगे हमें राजनीति कैसे करनी है।
राजनीति के लिए क्या सोचना है और हमारी आगे की दिशा क्या होगी। आज एग्जिट पोल के आधार पर भी हम अपने कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आज भी उसमें लगी हुई है और 10 मार्च को हम परिणाम सुनने के बाद जो वास्तविक परिणाम आएंगे उनको भी सिर माथे लगाकर उसके बाद अपने अगले अभियान भी शुरू हो जाएंगे और यही एक प्रक्रिया लोकतंत्र की। ठीक बात। इस चरण को मैं समाप्त करूं उससे पहले एक 20 सेकंड का ब्रेक ले लूं, फिर कुछ बात कहूंगा, फिर इस चरण को समाप्त करूंगा। 20 सेकंड में लौट रहा हूं। 2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग बीटीएम डिपॉजिट है सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिक के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूं प्रयाग, क्वालिटी बेमिसाल, लिक के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। 2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग बीटीएम डिपॉजिट है सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिक के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ प्रयाग, क्वालिटी बेमिसाल, लिक के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। एक बात मैं कहूँ इस सत्र को समाप्त करने से पहले, दूसरे सत्र में जाऊं उससे पहले, अमन अभी नहीं, 10 सेकंड। सारे राजनीतिक दलों को ये समझ लेना चाहिए, जब वो सरकार में रहे तो हर सरकार के पास एक विभाग होता है इसी काम का, उसमें बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं। मायावती के समय में जो थे वही अखिलेश जी के समय में रहे, अब वही योगी जी के समय में भी आ गए बाद में, समझ गए ना। तो वो छोटी छोटी फिल्में बनती हैं, वो चलती हैं चैनलों पर, बहन जी की भी चलती थी, अखिलेश जी की भी चलती थी, योगी जी की भी चलती थी, कि सबसे ज्यादा विकास यही हो गया और धरती स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग उतर आया। फिर भी सरकारें जाती हैं, नहीं जाती, जाती है ना, तो क्यों इतना चिढ़ते हो। अरे भाई, जब आपका शादी की लगन थी तो आपने मोहरा बांधा घर सर पे, कभी बारात में चलने की भी आदत डाल लो कि हर वक्त घोड़े मोर सिर पे रखोगे। भाई जब मायावती जी सरकार में थी तो उनकी फोटो छपती थी, अखिलेश जी थे तो उनका विज्ञापन छपता था, योगी जी हैं तो उनका छपेगा, इसमें क्यों चिढ़ते क्यों हो सब लोग। अव्वल मैं तो कहता हूं विज्ञापन ही बंद करो, ये काम ही खराब, वो भी आप लोग नहीं करोगे क्योंकि अपनी फोटो नहीं देखो तो राजनीति काहे की। अगर ससुराल तक में फोटो नहीं जाए, होर्डिंग नहीं लगे तो काहे की राजनीति, तो फोटो भी तो छपानी है ना। और फिर ये भी बोलना कि देखिए मीडिया तो आजकल क्या कर रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वही कर रही हैं मीडिया में जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और नीतीश बाबू बिहार में कर रहे हैं, और अमरिंदर पंजाब में कर रहे थे और अब चेन्नई कर रहे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे, कोई अलग बात कर रहा है क्या। इसलिए ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि मीडिया वोट दिलाने में सक्षम होता है, इनकी फोटो ज्यादा चल गई इसलिए हम, हमारी सीटें कुल 4 आई 400 में, नहीं जी। बसपा जब सरकार में आई थी उससे पहले तो बसपा का विज्ञापन क्या कोई ज्ञापन ही नहीं था क्या, क्योंकि बसपा के पास इनकमिंग है आउटगोइंग थी नहीं। मायावती जी की कार्यशैली में इनकमिंग इनकमिंग थी, आउटगोइंग का वो उन्होंने दर बटन ही नहीं रखा था, सरकार में आ गए ना, और जब आउटगोइंग की तो सरकार से चले गए। फिर भी आप लोगों की समझ नहीं आई बात, फिर भी दुबले हुए जा रहे इस चिंता में कि अमिताभ जी ने योगी जी की 2 फोटो ज्यादा दिखाई और हमारी 2 कम दिखाई, इससे सरकारें बनती हैं क्या दोस्त।
नहीं, इस लोकतंत्र में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन ओपी सिंह जी मालूम सबसे अच्छी बात क्या है, भारत का सामान्य व्यक्ति, वो शैक्षिक योग्यता उसके पास कम हो सकती है, लेकिन उसके पास सरकार चुनने की सलाहियत विवेक है। इसी देश ने इंदिरा गांधी को हराया था इमरजेंसी की बात, तब देश में साक्षरता भी नहीं थी इतनी, लेकिन लोगों ने मंजूर नहीं किया। वो अंग्रेजी में नहीं जानते थे सिविल लिबर्टी राइट्स क्या होते हैं, लेकिन उनको यह पता था कि इमरजेंसी गलत है तो इसके लिए दंडित होना चाहिए इंदिरा गांधी को। आप लोग जनता को इतना हल्का हक लेते हो, कहते नहीं वो सुलगती चट्टान में जो खबर छप गई थी उसी के चलते ये पार्टी सरकार में आ गई, और धधकती बारूद ने मेरा फोटो नहीं छापा, और आन मिलो सजना गुलाबी रातें काले दिन में हमारा फोटो नहीं छपा, उनसे सरकार बनेगी? ये 10-12-15 करोड़ लोगों के विवेक से सरकार बनेगी? यार ये भ्रम निकालो आप लोग, आप लोग भी बहस का पूरा वही खराब कर देते हो कभी कभी कभी। अच्छा नेताओं ने, पार्टी के आइडियोलॉग्स ने एक गोली पकड़ा दी, अरे भाई वो पेट दर्द की गोली थी, आप हर दर्द में वही खाओगे क्या? कि बहस कोई हो रही है, बोले ना मीडिया ने ऐसा कर दिया। मीडिया के बारे में इतना गलत फहमी मत पालो कि मीडिया इतना पराक्रमी है, मैं खुद मीडिया वाला हूं फिर कह रहा हूं ना, क्योंकि जिनको आप ये कहते हो कि वो गोदी हैं, कंधे हैं, कौन मीडिया है, हैं? मान लें हम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के पास गोदी होगी, ठीक, राजस्थान में गहलोत साहब के पास, दिल्ली में भाजपा के पास, मान लिया, ठीक ना, तो क्या ये सरकारें कभी नहीं जाएंगी? जब ये जाएंगी तब क्या कहेंगे, तब क्या बोलेंगे? बड़ा सवाल है त्रिपाठी जी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को सोचना चाहिए और उनको पब्लिक डिस्कोर्स का स्तर बढ़ा के रखना चाहिए, है ना। ये छोटी बातें ठीक शोभा नहीं पाती कि किसी ने कोई बात कही तो बोले नहीं ये तो गोदी मीडिया ना, क्या होता गोदी मीडिया, व्हाट? छत्तीसगढ़ में एक किसी पत्रकार ने कोई व्यंग लिखा, उस व्यंग पे उसके खिलाफ FIR हो गई, गिरफ्तारी हो गई, अंतर कहां है? इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर दूसरे चरण में चलेंगे। 10 मार्च की सुबह सबसे अलग होगी। 10 मार्च को सबकी नजर नतीजों पर होगी। 10 मार्च को तय होगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 10 मार्च को तय होगा 22 का बाजीगर कौन। सुबह 7 बजे से लाइव TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।